1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और आज इस पार्टी को 136 साल पूरे हुए। इस देश को आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश को तरक्की के मार्ग पर आज अगर 21वें शतक में ये देश पहुंचा है तो इसे पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कांग्रेस ने किया। इस देश में हर जाति, धर्म, भाषा, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, हर प्रांत के लोगों को संगठित करके विकसित करने का काम कांग्रेस ने किया। देश के पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, डैम्स और जो जो चीज़ें उस वक्त देश में नहीं थी जिससे रोजगार, एजुकेशन और तरक्की हो सकती थी, वो तो सारी स्थापन करने का काम पंडित जी के हाथों से हुआ, उस जमाने में हुआ। आज जिसे बेचने का काम आज की केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है। ये भाजपा की सरकार ये ना उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई घटना को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को तैयार है, ना उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जुडिशरी को काम करने देने की इजाज़त वो देती है। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस, जुडिशरी और लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ असेंबली एंड पार्लियामेंट ये होता है। तो आप और हम सब देखते हैं कि जब पार्लियामेंट चलता है तो प्रधानमंत्री वहां से गायब रहे। आप और हम ये भी देखते हैं कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगहों पे विषय जो घटना से संबंधित विषय है उन पर फैसले और निर्णय नहीं हो रहे। आप और हम ये भी देखते हैं कि जब जब चुनाव इस देश में लगते हैं तब तक जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, भाषावाद किया जाता है। आप और हम रोज टीवी पर देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के ताल्लुक से गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई फिल्म एक्ट्रेस है, उसकी पिक्चर लगने वाली हो तो वो देश को आज़ादी 2014 में मिली और उससे पहला स्वतंत्र की चलवल के बारे में घिनौनी और बहुत ही ओछे अल्फाजों में उसका वर्णन किया। इस तरह के लोगों को आज सोशल मीडिया के अंदर सिर्फ अपनी पिक्चर आने वाली है तो कुछ भी बातें करना है और मीडिया उसको दिखाती है और लोग उस पर गुमराह होते हैं। देश एक बड़ी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। कोविड की समस्या आपके हमारे सामने तो है ही है, मगर सब में बड़ी समस्या है इस देश की घटना को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना। और कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बचाएगा? ये आवाम बचाएगी, लोकतंत्र को बचाने का काम पब्लिक करेगी और इसकी सब में बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के वर्कर्स पर आ। आज जिस वक्त मैं कांग्रेस के वर्कर्स को बधाई देता हूँ कि आप उस पार्टी के सदस्य हो, उस पार्टी के वर्कर हो, उस पार्टी के नेता हो जिसने देश को सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं दिलाया तो इस देश की तरक्की में सब में बड़ा हाथ और रोल अगर किसी का रहा तो कांग्रेस पार्टी का रहा। आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हो, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है, हमारे ऊपर बनती है, इस देश के हम नागरिक पर बनती है कि लोकतंत्र जब खतरे में है तो जो लोग लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ में आवाज़ उठाए और उनके बनाए हुए एजेंडा जातिवाद, धर्मवाद के अंदर बह के ना जाए। हम और आप क्या करते हैं कि कोई भी वीडियो आया व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, तो इस तरह का भी होता है कि अकलियतों के खिलाफ में माहौल बनाने का काम खुद किसी भी अकलियत के नाम से कुछ भी मुद्दा लिखेंगे, हिंदुत्व के खिलाफ लिखेंगे और उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डाला जाता है। अकलियतों को लगता है कि ये हमारे व्यक्ति ने हिंदुत्व के खिलाफ बोला है, हमने इसका ज़्यादा प्रचार करना चाहिए और वो लोग एक दूसरे को बगैर पढ़े, बगैर सोचे, बगैर समझे उसको फॉरवर्ड करते हैं। बीजेपी का काम पक्का हो जाता है। हिंदू भाइयों को ये लगता है कि ये किसी मुसलमान ने लिखा है, किसी अकलियत के आदमी ने हिंदुत्व के ऊपर अटैक किया है और वो जो है वो भी उससे फॉरवर्ड करते हैं।
तब जाके ये पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन करने के लिए आज के जमाने में आपको हिंदू और मुसलमान के दंगे कराने की जरूरत नहीं है। तो आपने अगर सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही शिया और सुन्नी के झगड़े करा दिए और वो आपस में लड़ गए और कोई भी शहर मोहल्ला इलाका बंद हुआ और उस बंद के चलते हुए अगर वहाँ पे कोई भी दंगा फसाद हुआ तो उससे भी पोलराइजेशन होता है। हिंदू समाज के अंदर दलित हो, ओबीसी हो, धनगर हो, पिछड़ी जाति हो, इनके ताल्लुक से भी कोई मुद्दा प्रचार में लाया जाता है, गलत बातें लाई जाती है और उसको व्हाट्सएप मीडिया के जरिए जो है लोगों में फैलाया जाता है। लोग ये समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं मगर वो गलत होता है। हाल ही में विषय चला था कि त्रिपुरा के अंदर मस्जिद शहीद की गई, रजा एकेडमी के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में बंद का कॉल दिया और बाद में जब कई शहरों में दंगे फसाद हो गए उसके बाद में केंद्र सरकार ने खुलासा दिया कि त्रिपुरा में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उनका काम हो गया, जहां भी दंगे हुए, फसाद हुए, बंद हुआ, वहां पे लोग जज्बात में आकर के गलत हरकत कर दिए, गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। दूसरे दिन बीजेपी ने मोर्चा निकाला, उसने दूसरी हरकतें करी, तो पूरे टीवी मीडिया चैनल्स पर इस बात को देखा गया, वर्ल्ड ओवर देखा गया और पोलराइजेशन हो गया, बीजेपी का काम हो गया। अगर आप ये सोचोगे कि हम तो छोटे से शहर में हमारी बात कहाँ पहुँचेगी, तो ये जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये दुनिया के किसी भी कोने में आपके गली मोहल्ले में भी छोटा सा अगर हादसा हुआ है तो पहुँचाने में कम नहीं करेगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए आज कांग्रेस के स्थापना के दिन पे ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस की बेसिक प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी जो है सेक्युलरिज्म है, सर्वधर्म समभाव है। घटना के पहले प्रीफेस में लिखा गया है सेक्युलरिज्म। आज सेक्युलरिज्म का अर्थ ये बीजेपी वालों ने सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर दिया। सेक्युलरिज्म का अर्थ सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं है, तो सभी जाति धर्म भाषा के लोगों को संगठित रखना, उनको एक साथ रखना और देश हित में काम करना, उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। मैं आप सब लोगों को कांग्रेस के 136वें स्थापना दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। कांग्रेस पक्षाचा, जय हो। कांग्रेस पक्षाचा, जय हो।